वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हेलो गाइस, दिस इज राहुल जैन फ्रॉम जैन मोटर जीप्स। दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो दो नई शानदार विंटेज मॉडल रेडी हो चुकी हैं कर्नाटका के लिए। अगर आप भी ऐसा गाड़ी लेना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, सबसे पहले वीडियो पूरा देखें, फिर ही आपको हर चीज का नॉलेज आएगा। बाकी गाड़ी का स्क्रीनशॉट लें, हमारे नंबर पे भेजें 8199061161 के ऊपर, उसके बाद आपको हर डिटेल के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं शानदार गाड़ी का वॉकआउट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। अच्छी लगी आपको हमारी ये दोनों विंटेज मॉडल? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में आपके कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी सजेशन है, नीचे जरूर लिखें, आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। और जो नए फ्रेंड आज पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन दबा दें, फिर ही आपको ऐसी शानदार गाड़ियों का वीडियो देखने को मिलता रहेगा। बाकी भाई जैन मोटर जीप के नाम से हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम हैंडल है, तो वहां पे फॉलो जरूर करें। दोस्तों जैसे ये वीडियो शूट हो जाएगा ना तो साथ की साथ मैं लाइव आऊंगा हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर, अगर आप वहां पे फॉलो करोगे तो साथ की साथ आपको गाड़ी देखने को मिलेगा। दूसरा, जो फोटोज वगैरह रील्स वगैरह आती रहती हैं तो वहां पे लेटेस्ट अपडेट आती ही रहती है, तो वहां पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो बात करते हैं सबसे पहले इन दोनों गाड़ियों की ओनरशिप डिटेल के बारे में। फर्स्ट गाड़ी दोस्तों, ये गाड़ी हमने बना के दिया है मिस्टर मोहन कुमार जी, जो कि हैं बेंगलोर कर्नाटका से। तो कर्नाटका रजिस्ट्रेशन के साथ ये गाड़ी हमने बना के दिया है। उनकी डिमांड थी फोर व्हील ड्राइव गाड़ी चाहिए और विंटेज लुक गाड़ी चाहिए, तो उनकी डिमांड के ऊपर पूरी गाड़ी रेडी हो चुकी है। दूसरा गाड़ी दोस्तों, ये गाड़ी हमने बना के दिया है इशराक चौहान जी, जो कि हैं बेंगलोर कर्नाटका से। तो इसके अंदर भी कर्नाटका रजिस्ट्रेशन आपको नंबर प्लेट दिख रहा होगा। दोनों गाड़ियां जा रही हैं बेंगलोर और कर्नाटका के अंदर, तो मैंने भी सोचा यार दोनों का वीडियो सेपरेट बनाने से अच्छा है भी इनको इकट्ठा ही बनाया जाए, ताकि आपको कुछ कंपैरिजन भी पता चल जाए और इन दोनों गाड़ियों का जो है कलर वगैरह भी आपको पता चल जाए कि कौन सी गाड़ी का कलर अच्छा लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टेस्ट चुन सकते हो और ऑर्डर कर सकते हो। दोस्तों ऑर्डर करना बहुत ही आसान है, आप सबसे पहले जो भी गाड़ी पसंद है उसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमारे नंबर 8199061161 के ऊपर उसको भेज दें, उसके बाद आपको उसके बारे में हर डिटेल के बारे में समझा दिया जाएगा। दोस्तों गाड़ियां हम रेडी करते हैं, पूरा रेडी करने के बाद ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे हर स्टेट के अंदर ऑल ओवर इंडिया में पहुँचा देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस एक्स्ट्रा होता है, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आउट ऑफ इंडिया में भी गाड़ियां जाती हैं, वो वहां पे भी आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो होता है वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। नंबर प्लेट का जो चार्जेस होता है वो आपको बता दिया जाएगा, जैसे ही आप ऑर्डर करोगे कन्फर्म करके बता दिया जाएगा कि इतना जो चार्जेस है वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। गाड़ियों का प्राइस 4,50,000 रुपए है विद एनओसी, उसके अंदर आपको टू व्हील ड्राइव गाड़ी प्रोवाइड करवा के देंगे। पावर स्टेयरिंग, पावर ब्रेक, पावर क्लच इन गाड़ियों के अंदर आता है। बाकी कलर कॉम्बिनेशन आपको ब्लैक या मिल्ट्री ग्रीन देंगे, जो बेस मॉडल के अंदर आता है। इस टाइप के मैट फिनिश कलर या फिर मेटैलिक कलर या 4K कलर आपको करवाने हैं तो उनका एक्स्ट्रा चार्ज होता है, वो हर डिटेल आपको समझा दिया जाएगा जैसे ही आप कॉल करोगे हमारे नंबर 8199061161 के ऊपर। तो बात करते हैं सबसे पहले इन दोनों गाड़ियों के फीचर्स के बारे में। एक्सटीरियर दोस्तों, एक्सटीरियर में आपको दिख रहा है दोनों गाड़ियों का कलर अलग अलग है। वैसे दोस्तों अपनी अपनी चॉइस होती है, कुछ लोग डिजर्ट स्ट्रॉम कलर पसंद करते हैं तो कुछ लोग हमारे मिलिट्री ऑलिव ग्रीन कलर पसंद करते हैं। दोनों का अलग अलग ग्रेस है, दोनों का अलग अलग लुक है। वैसे पर्सनली जो मेरे को कलर इस टाइप का ज़्यादा पसंद आता है, मिलिट्री कलर थोड़ा सा मेरे को कम पसंद है, वो अपनी अपनी जो है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। आगे फ्रंट की बात करें तो दोनों का फ्रंट सेम है,
सिर्फ नीचे डिफरेंशियल का फर्क है। इसके अंदर लगाया गया है 4x4 का डिफरेंशियल, उसके अंदर लगाया गया है टू व्हील ड्राइव का जो डिफरेंशियल। विंडशील्ड की बात करें दोस्तों, विंडशील्ड लगाई है इसके अंदर जो थार टाइप ग्लास की आती है विंडशील्ड, ये बना बनाया फ्रेम आता है, मेजर गाड़ी का होता है। इसके अंदर जो शीशा पड़ता है वो थार काम फिटिंग करके देते हैं। और दूसरी तरफ जो लगाया गया है ओरिजिनल विंटेज लुक जो हमारी पहले गाड़ियों में आता था। वैसे मैंने वीडियो में भी कई बार बोला है कि भाई आप विंड ग्लास लगवाना चाहते हो ना तो आप इस टाइप का लगवाएं, आपको दिखने में पता चल रहा होगा यार इसकी मजबूती उससे कितनी ज्यादा लग रही है, तो भाई दिखने में भी पता चल जाता है। बाकी भाई ये चीज तो है, उससे थोड़ा सा विंटेज लुक जरूर आता है लेकिन वो उसके बेनिफिट भी नहीं है भाई। बाई चांस कोई ब्रेक हो जाए ग्लास या फिर कमजोर है वैसे भी वो ग्लास तो हवा में चलते थोड़ा थोड़ा वाइब्रेटिंग भी करेगा, तो ये ग्लास लगाएं बिल्कुल भी 1% भी इसकी कंप्लेंट नहीं है। दूसरा दोस्तों इसके इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर दोनों में ही जो शॉर्ट सीट लगाई गई है ओरिजिनल टाइप कर्व वाली सीट हमने लगा के दी है। मैंने बताया था कर्व वाली सीट लगाने का फायदा है, अगर आप प्लेन सीट लगाते हो तो उसका भाई फायदा नहीं है, बाई चांस आप गाड़ी टर्न करते हो तो फिसलन होती है तो आप फिसल जाओगे, तो इसीलिए ये सीटिंग इसके अंदर लगाई गई है और वही सीटिंग इसके अंदर लगाई गई है। इसके अंदर सिर्फ जो जो बार पाइप है वो हमारे कस्टमर ने लगवाया है, जबकि जो हमारे इशराक जी हैं उन्होंने वो बार पाइप नहीं लगवाया। दोनों गाड़ियों का इंटीरियर सेम है, इसमें म्यूजिक सिस्टम लगा है उसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं लगाया गया। बाकी विंटेज लुक दिया गया है भाई, इसका स्टेयरिंग व्हील से लेके इसके भाई मीटर बॉक्स से लेके इसके सीटिंग के लेके, बाकी मैटिंग वगैरह हमारी गाड़ी के अंदर ब्लैक ही होता है। बाकी गाड़ियां पावर स्टेयरिंग पावर ब्रेक पावर क्लच के साथ हम बनाते हैं। इंटीरियर पीछे रियर की बात करें दोस्तों तो रियर के अंदर जो फिफ्थ टायर हमने लगाया है दोनों गाड़ियों के अंदर जेरिकेन दोनों गाड़ियों में लगाया गया है, जो विंटेज लुक पीछे से दिया गया है। अगर आप यहाँ पे यानी कि कोई रडार वगैरह लगवाना चाहते हो तो वो भी लग जाएगा, जैक वगैरह लगाना चाहते हो तो वो भी लग जाएगा, लेकिन वो भाई इसके अंदर नहीं चलता। जो ये लुक है ना ये ऐसा ही अच्छा लगता है, तो भाई ये चीज़ पीछे से आपने देख लिया। बाकी भाई आप अपनी चॉइस से गाड़ी बनवा सकते हो, बाकी मेजर सिटीज़ में गाड़ी लेना चाहते हो ना, जैसे आप बेंगलोर में चलाना चाहते हो, दिल्ली में चलाना चाहते हो, चंडीगढ़ में चलाना चाहते हो, तो आप इस टाइप की गाड़ी बनवाएं, ये गाड़ी सबसे बेस्ट है। फैंसी गाड़ी को अगर आप चलाओगे तो टायर की वजह से या फैंसी लुक की वजह से थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो इसीलिए मेजर सिटी में इस टाइप का गाड़ी बनवाएं। बाकी ऑल ओवर इंडिया में ही चलती है गाड़ी, गाड़ियों का कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको थोड़ा सा लोग रोकते कम है, जैसे जो पुलिस वगैरह है तो इस टाइप की क्रिएशन को बहुत ही कम रेयर चांस है भी रोकेगी। बाकी भाई आप अपनी चॉइस से गाड़ी बनवा सकते हो, आपको गाड़ी बना के देंगे आपके घर तक पहुंचा के देंगे, पूरा डिटेल हमारी वीडियो में मिल जाता है आपको, और ऐसे ही शानदार कुछ वीडियोज लेके आते रहेंगे, नॉलेज देते रहेंगे। जुड़े रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो मिलते दोस्तों जल्दी कुछ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम।